छः महीने तक जितने भी देश के जो सबसे गरीब मजदूर जिसको बोलते हैं वर्किंग पुअर बोलते हैं, उनको आप 3,000 रुपये का क्राइसिस कैश ट्रांसफर जो है आप उनको दे दीजिए। 4,44,00,000 का खर्च इसमें आएगा सरकार को, जो 1.97% GDP। इमरजेंसी रूप में अर्जेंटली आपको कुछ करना चाहिए और वो ये वक्त है। वर्किंग पीपल सेक्टर की तरफ से हम लोगों ने एक राष्ट्रीय पैकेज की घोषणा की है। सरकार नहीं कर रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम ही घोषणा करते हैं। सरकार तो कुछ नहीं कर रही थी और सरकार अभी भी कुछ नहीं कर रही है, तो इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अभी नहीं तो फिर कब, इस प्रकार का हमने एक स्टेटमेंट जारी किया। और देश भर से जितने भी अलग अलग सेक्टर, अलग अलग समुदाय, अगर मैं बोलूँ तो मछली मारने वाले, ईंटा ढोने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गारमेंट वर्कर्स, यू नो डिफरेंट सेक्टर्स, बहुत अलग अलग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, इनफॉर्मल वर्कर्स में काम करने वाले, सारे ट्रेड यूनियंस, सारे मजदूर संगठनों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया। और देश में जितने भी जाने माने अर्थशास्त्री थे, जैसे रवि श्रीवास्तव हैं, जॉन ड्रेज हैं, अमित बसोले हैं, राजेंद्र नारायणन हैं, गौतम भान हैं, बाबू मैथ्यू हैं, तो देश में जितने भी जाने माने लीगल थिंकर, इकोनॉमिस्ट, यूनियन लीडर्स, सारे वकील जितने भी हैं, कॉलिन गोंजाल्वेज हैं, इंदिरा जयसिंह हैं, गायत्री सिंह हैं, आनंद ग्रोवर हैं, संजय पारेख हैं, हमने सबको इकट्ठा करके बुला करके हमने इसके ऊपर काफ़ी गहन चर्चा की। और हमने ये कहा कि ये सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर रही है तो क्यों ना हम एक घोषणा करें मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में। और हमने घोषणा किया और हमने कहा कि आपके पास सारे आंकड़े हैं, इस देश में पिछले 1.5 सालों से ना किसी के पास कोई रोज़गार है, ना आपकी इकोनॉमी चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लोगों के पास खाने की त्रासदी है, लोग भूखे मरने के कागार पे हैं, जहाँ पे बहुत थोड़ी संख्या में मजदूर संगठनों ने खाना बांटा है। सरकार के तरफ से कहने के लिए बस थोड़ा सा एक बहुत टोकनिज्म के रूप में उन्होंने 4 किलो 5 किलो अनाज से वितरित किया, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हमने एक पैकेज बनाया सब लोग, जैसे मैंने कहा, सारे साथियों के साथ बैठ करके, मिल करके, काफ़ी सोच करके, और हमने कहा कि सरकार के पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऑलरेडी 23 करोड़ हाउस होल्ड जो मोस्ट पुअर हैं, जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बिल्कुल समाज का बिल्कुल उपेक्षित वर्ग है, जो अंतिम वर्ग है, वो करीब करीब 23 करोड़ है, जिनका आंकड़ा सरकार के पास ऑलरेडी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राशन का। उसके बाद में आपके पास जनधन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, जनधन के आपके बहुत सारे जितने भी देश में गरीब हैं उनका अकाउंट पड़ा हुआ है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस, इसमें पेंशन देने की बात होती है, 400, 500, 300 अलग अलग राज्यों में पेंशन मिलते हैं, उस प्रकार से हमने सारे आंकड़े निकाले, आंकड़ों को इकट्ठा किया और करीब करीब 27 करोड़ हाउस होल्ड जो बिल्कुल हाशिए पे है उसका आंकड़ा है। और 27 करोड़ का मतलब करीब करीब पूरी देश की पूरी आबादी कवर होती है। सिर्फ अगर मैं अमीरों को छोड़ दूं तो उसमें मिडिल क्लास, आपके छोटे व्यापारी, मजदूर, महिला, दलित, मुसलमान, छोटे किसान, सबके आंकड़े सरकार के पास में हैं। सरकार सिर्फ 3 चीज़ करनी चाहिए थे सरकार को, जिस पे हमारी पूरी घोषणा और हमने पूरा एक रिलीफ पैकेज के बारे में हमने एक आह्वान किया है करीब 70 संगठनों के बिहाफ में, इन चीज़ों को लेके हमने कहा कि आप उनको किसी भी हालत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से आप उनको सबको राशन दे दीजिए। दूसरा हमने उनको डिमांड किया है कि क्राइसिस कैश ट्रांसफर, हम बोल रहे हैं अभी क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, पेंडेमिक एक्ट का वास्ता आपको पता है बहुत सारे कानून अभी जो हैं वो क्रियान्वयन में नहीं है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए हमने सरकार से कहा कि 6 महीने तक जितने भी देश के जो सबसे गरीब मजदूर जिसको बोलते हैं वर्किंग पुअर बोलते हैं, उनको आप 3,000 रुपये का क्राइसिस कैश ट्रांसफर जो है आप उनको दे दीजिए। और साथ में इसके साथ में नरेगा के अंदर में कम से कम 150 दिन का रोजगार, कम से कम 150 दिन का रोजगार, और पुराने जितने भी बैकलॉग पेमेंट्स हैं, बैक पेमेंट्स हैं, वो निकाल दीजिए। और साथ में अर्बन एरियाज में जो मजदूर आए हैं उनके लिए भी एक छोटा सा शहरी रोजगार योजना को चलाइए। इन सबको खर्च, इन सबको कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सबको कैलकुलेट करने के बाद में हमें ये मिला कि इस पूरे आकलन से देश का करीब 82% हाउस होल्ड जो बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं है वो कवर हो जाएगा आपका। 27 करोड़ हाउस होल्ड जो है आपका वो कवर हो जाएंगे इस चीज़ को लेके। और इसमें पूरे में 4,44,00,000 का खर्च इसमें आएगा सरकार को, जो 1.97% GDP, ये भारत सरकार का 2021-22 का जो GDP प्रोजेक्शन है उसी के हिसाब से हमने ये आंकड़ा लिया, 1.97% ऑफ कंट्री GDP।
आप पूरे देश की सारी गरीब आबादी को कवर कर रहे हैं, 82% हाउसहोल्ड को कवर कर रहे हैं, और सरकार से हम सिर्फ 2% देश की जीडीपी का मांग रहे हैं। उस 2% की जीडीपी से ये पूरा जो लोगों का जो पूरा एक सपोर्ट सिस्टम जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, रॉटन हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। और ये कोई भीख नहीं है, ये वही लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि ये वही लोग हैं जो देश के 60% जीडीपी को कमा करके देते हैं। देश का जो 60% जीडीपी है इन्हीं वर्ग से आता है। उस 60% जीडीपी में से हम 2% मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ 2%। और ये एक स्टिमुलस पैकेज है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्टिमुलस, मतलब प्रोत्साहन करने वाला ये पैकेज है कि पैसा उनके हाथ में जाएगा, फिर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो पैसा दोबारा मार्केट में आएगा और इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। इससे इट विल बी कंप्लीटली रिवाइव द इकोनॉमी। तो ये कोई एहसान नहीं है, सरकार उनके हाथ में देगी, वो फिर खर्च करेंगे, सब मार्केट में पैसा आएगा, तो पूरी इकोनॉमी का जो पूरा साइकिल जो बिगड़ गया है वो पूरा साइकिल दोबारा से चलने लगेगा। तो इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस, इट्स अ वेरी वेरी मैं बोलूँ बिल्कुल फिजिबल पैकेज कि सरकार के पास पैसा भी है, ये भी है, क्या खर्चा है, कैसे करना है, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, आपके पास ऑलरेडी पूरा सिस्टम बना हुआ है, पीएम किसान का भी अकाउंट है आपके पास में, तो छोटे किसानों का भी आपके पास आंकड़ा है, एनएफएसए में आपके पास गरीब लोगों का आंकड़ा है ना, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस में पेंशन का भी आपके पास आंकड़ा है और जनधन का भी आंकड़ा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र की आवश्यकता नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक गणित है इसमें। तो अभी सरकार की तरफ से ये भेजा गया है, आप लोगों ने कोई ज्ञापन भेजा है, उधर से कोई जवाब आया है? कोई जवाब नहीं आया है, कोई भी जवाब नहीं आया है। क्या लग रहा है कि सरकार ने क्यों अभी तक इस तरह की घोषणा क्यों नहीं? सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, सबसे बड़ा सवाल ये है आज के समय में कि सरकार इस देश के जो सबसे हाशिए पे जो खड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल इकोनॉमी में जितने लोग काम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को सरकार तैयार नहीं है। अब उनकी मंशा क्या है मैं उसके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर उनकी मंशा नहीं है तो उनकी मंशा को जगाया जाए। वर्किंग पीपल्स चार्टर की तरफ से हमने उनकी इस मंशा को जगाने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए, हमने एक बहुत ही सकारात्मक रूप से इसके बारे में सोचा, कैलकुलेट करके दिया कितना पैसा चाहिए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, और पूरे देश भर के सारे बड़े संगठन इसमें आए हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं। हम सरकार की मदद करेंगे, हम सरकार को बताएंगे कि कहां कहां कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सरकार हमसे बात तो करे कम से कम पहले। मुझे ये बहुत ताज्जुब की बात है कि हमारी इकोनॉमी अभी बांग्लादेश से भी नीचे चली गई, और अगर मैं देखूं तो पूरे लोअर इनकम कंट्रीज में, बांग्लादेश की मैं बात करूं, मैं थाईलैंड की बात करूं, मैं वियतनाम की बात करूं, मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, मैं ब्राजील की बात करूं, पूरे ग्लोबल साउथ, मैं जो बोलता हूं कि पूरे भूमंडल पे जो दक्षिण, जिसको मानते हैं कि ऊपर के जो एरिया है जैसे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, तो उसमें तो काफी धनी मानी लोग रहते हैं, जबकि मैं ये पूरे देश में टाइम्स मैगजीन में ये खबर छपी है और ये सारे अखबारों में खबर छपी है, दुनिया के सारे अखबारों में, कि जितने भी दुनिया में गरीब मुल्क हैं, लो हम बोलते हैं अंग्रेजी में लोअर इनकम कंट्रीज, इन कंट्रीज का भारत के साथ ही इकोनॉमी के आसपास ही उनका जो दायरा है, सारे देशों में दिया जा रहा है। हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जो कोई भी कदम लेने को तैयार नहीं है। अब मैं इस सरकार के बारे में क्या टिप्पणी करूं और क्या आलोचना करूं, हम उस हालत में हम सरकार को कोई आलोचना नहीं कर रहे, हम सरकार को सिर्फ एक रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर कम से कम थोड़ा सोचिए, थोड़ा बात तो कीजिए हमसे, हमारे इस प्रपोजल पर कम से कम हमको टेबल पर बिठा के हमसे बात तो कीजिए कम से कम। अभी इस हालत में, इस पूरे संदर्भ में हमारी ये कोशिश है कि सरकार को जितना हम लोगों ने कहा वो कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारा संघर्ष का भी दौर जारी है। इस पूरे हालात में सरकार कुछ दे भी नहीं रही है, और उस पूरे हालात में लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों को घर से निकाला जा रहा है क्योंकि लोगों के पास ऋण देने के लिए पैसा नहीं है, बस्तियां टूट रही हैं जहां मजदूर रहते हैं 30-40 सालों से। हमारे पास अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के पास क्या सोच है, क्या उनकी थिंकिंग है। लेकिन अभी जो हालत है, इससे पहले हमारी इकोनॉमी तो हमारी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है, मजदूर वर्ग में भी बहुत रोष व्याप्त है, बहुत ज़्यादा शंका है उनका इस देश के संविधान, इन चीज़ों पे बहुत गहरी आस्था है, और उस आस्था से हम इस बात को दोबारा कह रहे हैं और दोबारा इस बात सरकार को याद दिला रहे हैं, लेकिन अभी लोगों के मन में बिल्कुल विश्वास सरकार से टूट रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि जनता का, इस देश के नागरिक का, इस देश के मजदूर का, इस देश के किसानों का, इस देश के दलितों का विश्वास आप पे ना टूटे। आपको इमरजेंसी रूप में अर्जेंटली आपको कुछ करना चाहिए, और वो ये वक्त है, और इसी परिवेश में इस घोषणा को, इस स्टेटमेंट को हमने जारी किया है। उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी।